इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है जींद के पंजाब नेशनल बैंक से 20 लाख की चोरी करने वाले नाबालिग बच्चे को पुलिस ने राजस्थान से काबू कर लिया है। आपको बता दें कि 12 वर्षीय नाबालिग मध्य प्रदेश का रहने वाला है जिसे पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वारदात को अंजाम दिलवाने वाला सरगना पुलिस से बचकर भाग निकला। पुलिस ने पहले नाबालिग का सिविल अस्पताल में कोरोना टेस्ट करवाया और उसके बाद जुनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया। पुलिस पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि सरगना उसको चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए बैंकों में भेजते हैं, वारदात करने का समय भी लंच टाइम चुनते हैं ताकि वारदात को आसानी से अंजाम दिया जा सके। गौरतलब है कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की दो टीमें मध्य प्रदेश और राजस्थान के सूरत गढ़ गई हुई थी। पुलिस को अंदेशा था कि चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मध्य प्रदेश या राजस्थान भाग गए हैं और टीमों को वहां जाकर आरोपियों का कोई सुराग लग सके। पुलिस को अंदेशा था कि किसी गैंग के सदस्यों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। गैंग में बच्चों से लेकर महिलाएं तक शामिल हो सकती हैं। आपको बता दें कि बीती 28 सितंबर को गोहाना रोड स्थित पीएनबी से युवक और एक बच्चे ने 20 लाख रुपए की चोरी कर ली थी। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद चोरी की घटना के बारे में पता चल पाया था। पुलिस ने इस मामले में एक बच्चे समेत युवक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। इस बारे में बैंक के कैशियर सत्यवान ने बताया था कि 20 लाख की नकदी के 5 बंडल बनाकर कुछ समय के लिए साथ लगते कैबिन में चला गया था। इसके बाद शाम को जब राशि का मिलान किया तो उसमें 20 लाख रुपए की राशि कम मिली थी। इसके बाद बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई तो पता चला कि एक 12 वर्षीय बच्चा जो कि पहले से ही बैंक में बैठा था, वह एक थैले में रुपए डालकर ले गया और इसके साथ एक अन्य युवक भी था जो कि मुंह पर मास्क लगाए हुए था। सिविल लाइन थाना प्रभारी हरिओम ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक से 20 लाख की चोरी करने के आरोपी एक नाबालिग को राजस्थान से काबू कर लिया गया है, जबकि वारदात में शामिल सरगना पुलिस से बच निकले में कामयाब हो गया है। पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल करवा कर जुनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश कर दिया है। पुलिस अन्य आरोपियों को भी जल्दी गिरफ्तार कर लेगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।